तो सुख सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है करवा चौथ का ये पर्व। और बहुत जरूरी है कि इस दिन पति पत्नी दोनों साथ हो। अगर पति पत्नी में मनमुटाव हो तो कैसे मनाया जाए ये हमने आपको बताया। और एक आचार्य जी बॉलीवुड का गाना था, मेरे पिया गए रंगून, लेकिन आजकल पिया रंगून न सही दूसरी किसी जगह पर होते हैं, दूर हो, विदेश में हो। अब विदेश से बुलाना है, कल का दिन है, दोनों को साथ होना है, उसका क्या मंत्र है, क्या उपाय? इसमें आपने नवजोतन बहुत अच्छा पूछा, पति या पत्नी कोई भी विदेश में हो तो उसको बुलाने के लिए शीघ्र आ जाए, इसके लिए बहुत अच्छा मंत्र है, अचूक मंत्र है। एक मैं आपको निवेदन करता हूँ, मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। इसका भाव यह है कि जैसे पानी पानी मिल जाता है तो एक रंग हो जाता है, ऐसे मेरे पतिदेव या पत्नी जहां भी आप हैं शीघ्रता से पहली फ्लाइट पकड़ के पहले उससे तुरंत हमारे पास आ जाइए, क्योंकि जब साथ पति पत्नी हो तभी वास्तव में करवा चौथ संपन्न और सफल मानी जाती है जी। और ये मंत्र का उच्चारण किस समय करना है, कितनी बार करना है? ये आपने बहुत अच्छा पूछा, इस मंत्र का एक दिन पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिन प्रातःकाल 7 से 9 बजे के बीच में, और इस मंत्र को 11 बार अथवा 28 बार करते हैं तो एकदम से अचूक उपाय है, अवश्य ही निश्चित रूप से पति या पत्नी अपने पास आ जाते जी। एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण कर दीजिए जी। मंत्र है नवजोतन, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, ये मंत्र है जी। और जब पूजा की शुरुआत होती है उसमें किस क्या क्या होना चाहिए साथी? जी, पूजा की शुरुआत में एक तो जो कलश या करुआ होता है, इसकी कथा ये भी छोटी, बहुत छोटी, करुआ नाम की एक महिला थी, उसने स्मरण किया पति को, तो करुआ जो जिसे कलश बोलते हैं उसका स्वस्तिक बना देना चाहिए, सीधी ओर बना दें, और गंध है, अक्षत है, पुष्प है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, पान अवश्य रखें, नारियल अवश्य रखें, फल अवश्य रखें, तो पति पत्नी में बहुत ही प्रेम रहता है जी।